जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार को सौंपा ज्ञापन, जिसमें हिंदू महासंघ के संरक्षक मनीष चौधरी ने कहा कि लगातार देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि भी बढ़ रही है। इसीलिए वह मांग करते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाए। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण, अर्थव्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है एवं लगातार देश के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसीलिए वह मांग करते हैं कि एक संविधान, एक विधानसभा, हम दो, हमारे दो, देश में राष्ट्र रक्षा को सबक दो, राष्ट्रहित एवं जनहित के लिए संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर एक कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को ना माने तो उनकी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाएं भी समाप्त की जाए। ज्ञापन देने वालों में मनीष चौधरी उर्फ गोलू, सुरेंद्र मित्तल, बिट्टू सिखेड़ा, प्रवीण जैन आदि लोग मौजूद रहे। मनीष साहब, बताइए, जो आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, आज हिंदू महासंघ द्वारा पूरे 27 संगठनों के साथ मिलकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मोदी को सौंपा गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम है, भारत सरकार के नाम है। इसमें मुख्य मांग की गई है कि हमारा एक देश, एक विधान, एक कानून बने और जल्द से जल्द जनसंख्या, जो कि नियंत्रण बहुत काफ़ी टाइम से होना भी चाहिए था, उसकी हमारी मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा, हमारी जो नारी शक्ति है उसको फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शोषण का शिकार नारी होती है। और रोज इसमें एक सबसे बड़ी हमारे देश की पीड़ा है कि हमारे रोज जो पीड़ित युवा भाई हैं, उनको रोजगार में पूरी प्राप्ति नहीं होती। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगार जितने युवा यहाँ साथी हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और हमारे भारत देश एक सशक्त देश भी बनेगा। तो आज हमारे मुख्य रूप से एक संविधान, एक विधान के नाम से ज्ञापन दिया गया है। हम मांग करते हैं पुनः आप द्वारा कि ये कानून तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा इस देश की विश्व की स्थिति इतनी बन जाएगी, कहीं ना कहीं ये जैसी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, एक विशेष कारण ये भी है जनसंख्या का, क्योंकि अगर जनसंख्या कम होती शायद इतनी बीमारी भी इस देश में ना फैलती और इतनी त्रासदी ना होती। तो इसी उपलक्ष्य में आज एक ज्ञापन जो दिया गया, बहुत ही कड़े शब्दों में हमारे द्वारा निवेदन के साथ साथ कड़े शब्दों में ये भी मांगे कि तुरंत के तुरंत इसे लागू किया जाए। एक आपके माध्यम से हम भारत सरकार और योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे समय में कांवड़ यात्रा का जो शुभारंभ किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए उन्होंने जो कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय कदम है। जय श्री राम, जय भारत।